तो लगता है सो रहा है। अरे सोते तो पिताजी थे। तुम चुप रहो यार। मंगलू चाचा का हुआ है? मंगलू चाचा पता नहीं बेटा, अभी तो मजे में खड़ा था। चिंगाड़ा कहाँ है? लक्ष्मी नारायण बेटा उठो, मल मल उठो बेटा। ए लक्ष्मी नारायण खड़े हो जा बेटे। ए बिट्टू उठ जाओ, उठा मल मल मल। हमको लगता है इसकी तबीयत खराब है, अब डॉक्टर लेके आइए। हम डॉक्टर को लेके आते, चल बे गुड्डू। कब आएंगे मौसी? अभी तक आए नहीं आए। अरे आ गए भाई, आ गए हम लोग आ गए। आओ आ जाओ, टेंशन नहीं, देखो कितने लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। आओ आओ आओ, कहाँ है? आ जाओ। अरे ये क्या है? अरे क्या करें, आने के लिए मना कर रहे थे तो इनको बांध के लाना पड़ा ऐसे। क्यों गुड्डू? हाँ भैया। डॉक्टर साहब लक्ष्मी नारायण को देखिए ना। अरे पहले हमको खोलो तो सही। अरे गुड्डू खोलो यार। कहाँ है मरीज? यहाँ है ना। इतना बड़ा हाथी भी तो है। इतना बड़ा मरीज? आ करो आ बेटा। अरे आ तो पिताजी किया करते थे। आ करो आ। हाँ डॉक्टर साहब हाथी है, आ कैसे करेगा है? हुआ का है? सांस तो चल रही है। चल रही है सांस। एक काम कीजिए, इसका मलमूत्र चेक कराइए, सोनोग्राफी और स्कैनिंग वगैरह MRP निकलवाइए। डॉक्टर साहब ये सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह लापतागंज में कहाँ होगा? आप ठीक से देखिए ना। अरे हाँ, वो मेरे पास एक इंजेक्शन है, संजीवनी इंजेक्शन। मेरा बैग कहाँ है? हमारे पास है। बैग लाओ, बैग लाओ, ये रहा बैग। ये इंजेक्शन। हाय दया, इतना बड़ा इंजेक्शन, हम लक्ष्मी नारायण को नहीं लगने देंगे। अरे आपने लगने दीजिए ना। अरे नहीं, नहीं लगने देंगे। अरे नहीं, अरे बाबा, अरे क्या हुआ? लग गया। किसको? हमको। अरे मुबारक हो, मामा को इंजेक्शन लग गया गुड्डा। ताले ना ताले। इसको क्या हो गया है? मामा को हाथी के इंजेक्शन लग गए होंगे। अब क्या होगा? मत घबराइए, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अच्छा। अरे हाथी का तो कुछ कीजिए। घबराइए मत, घबराइए मत, मेरे पास एक आखिरी इंजेक्शन बचा है, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। छोटू बस पीछे हटिए, आप लोग पीछे पीछे हटिए। डॉक्टर साहब लक्ष्मी नारायण को दर्द तो नहीं होगा ना? बस सुबह तक मैं कुछ ठीक। देखिए भाई, इंजेक्शन हमने लगा दिया है, आज सुबह तक तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी बात। और अगर सुबह तक तबीयत ठीक नहीं होती तो मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। कौन है? चिंता की तो बात नहीं है ना। देखिए दवा तो हमने दे दी है, बाकी आप दुआ कीजिए। छोटू लक्ष्मी नारायण हो पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हें हम का हो संभाले, तुम्हें हम रे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें बिन हमरा
तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। लक्ष्मी नारायण, ए लक्ष्मी नारायण। उठो बेटो, उठो उठो बेटवा। छोटू ठीक नहीं हुआ, हाथी का इंजेक्शन लगाएंगे, उठने में टाइम तो लगेगा। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा पानी डाल दो, अभी चिंगारने लगेगा। चिंगारते तो पिताजी थे। अरे बाबा ठीक हो गए। एक इंजेक्शन और लगा दीजिए। बिजे एक इनको लगा दीजिए। चुप कर। वैसे डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। कमाल क्या भाई, ये तो डॉक्टर का फर्ज है। सच बताए पहली बार हमारी दवा से कोई मरीज ठीक हुआ है। अरे भाई हम तो जीवन भर इंसानों का इलाज करते रहे, कोई नहीं बचा। आज पहली बार हाथी का किया, ये बच गया। डॉक्टर साहब पापा कसम एक बात बताइए, आपने डॉक्टरी किस चीज में सीखी है, जानवरों में या इंसानों में? अरे सीखी कहाँ है, बस करते करते सीख गए। लक्ष्मी नारायण, पर इसे हुआ क्या था डॉक्टर साहब? किसी ने ऐसा वैसा खिला दिया जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं खिलाया। हाँ, सोच समझ कर खिलाया है। तो किसने खिला दिया? ये तो बच गया। ये तो आपसे भी मोटी खाल का निकला नेता जी। अबे जहरी नकली था। अरे आपके राज मछली मिलता क्या है? पर हम भी ऐसे हार नहीं मानेंगे, इस हाथी को तो इस गांव से हटा के रहेंगे। ये देखिए यही है वो हाथी किस औरत ने यहाँ रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ए जी सुनो, तुम फिर आ गए? अरे हम नहीं, ये बुला रहे हैं आपको। नमस्ते। नमस्ते, ये हाथी आपका है? हमरा कहा, पूरे गांव का हाथी है। आपको पता है हाथी खरीदना जुर्म है? हम खरीदे नहीं है, इका तो हम मेले में जीते हैं ना। अरे बात तो वही हुई ना, आपको थाने चलना होगा। चलो थाने की सैर कराते। थाने की सैर? ये बात ए लीजा, देखो ये लोग हमको थाने की सैर कराने ले जा रहे हैं। बॉसी सती भैया थाने की सैर कराने जा रहे हैं। ये चौरसिया इंदुमती थाने की सैर करने जा रही है, आ जाओ आ जाओ। ए जी, ए जी, ओ जी आइए ना। क्या हुआ? ये देखो ना, ये लोग हमको थाने की सैर कराने ले जा रहे हैं। इसमें तो खुशी की का बात है। कहाँ है हा? इतने दिनों से कह रहे हैं हमें थाना दिखा लाओ, थाना दिखा लाओ, अच्छा थाना नहीं देखे ना। चुप रहो, क्या बात है भाई साहब, आप कौन है? हम जानवरों के अधिकार की रक्षा करते हैं और आप इस पे अत्याचार कर रहे हैं। किसने बोला? अरे हम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, बच्चों की तरह। चलिए थाने। अरे हमने किया का है जो थाने चले। मुकुंदी कम बात है, ये सफेद हाथी कहाँ आ गया? अरे मौसी ये कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे ठीक से खाना नहीं खिलाते, नहलाते धुलाते नहीं है। पशु अधिकार के नियम से क्या आप इसको खाना पीना देते हैं? मतलब पशु अधिकार कानून पता है? बड़ा भाई कानून की बातें हमसे कीजिए, 10 साल से ला हम कर रहे हैं। 10 साल से वकील? अरे और नहीं तो क्या, डीपली घुस के कर रहा है, पूछ लीजिए। नहीं कोशिश कर रहे हैं। अबे तुम चुप रहो साले, हाँ हमसे बताइए ना क्या है। आप इसे खिलाते पिलाते क्या? सब कुछ, पूरा गाँव खिलाता रहता है। क्या खिलाता है? गोभी की सब्जी, पालक की सब्जी, लौकी की सब्जी भी खिलाते हैं। इससे इस जानवर का क्या होगा, ये तो नियम का उल्लंघन है। हम गन्ना भी खिलाते हैं, बड़े मजे से चूसता है, दिखाए। अगर गले में फंस गया तो? हाँ ये भी उल्लंघन है। अरे हम समोसा कचौरी खिलाते हैं, तली चीज। हाथी का वजन पहले ही कम है जो और बढ़ा रहे हो, अगर इसको हार्ट अटैक हो गया तो? बड़ा भाई इनको ही नहीं हुआ हार्ट अटैक, उसको कहाँ से होगा। लेकिन हम तो आलू टमाटर उबाल के सलाद काट के देते हैं। हम कुछ भी नहीं देते हैं। और तुम? अब हम तो गुरु कैश मनी दे देते हैं, जब भी हाथी कुछ खाने का मन करता है जा खरीद के खा लेता है। क्या अब देख रहे हैं ना कितना अत्याचार हो रहा है जानवर पर। आप सब थाने चलिए। हाँ ठीक है चलिए चलिए, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डर काहेगा। और का? चलो मामा आओ। भाई देखो हमें थाने से बहुत डर लगता है और हमें काम याद आ गया, हम जरा वो कर। अरे मामा एक मिनट, मामा हम भी आते हैं। हम इनके साथ चलते हैं थाने। देखिए बड़े भाई थाने में ला की जरूरत पड़ सकती है। चलिए आइए आइए चलिए। संभल के। अरे आते हैं आते हैं। संभल के मुकुंदी। इंस्पेक्टर साहब यही है वो जिन्होंने पशु अधिकार के नियम को तोड़ा है, अब आप इन्हें अंदर करें और हाथी को गांव से बाहर। नेताजी कल आपके फार्म हाउस पे छापा पड़ा है,
चार काले हिरण और एक ऊंट बरामद हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो काले हिरण हमारे नहीं है, वो तो हमारे फार्म हाउस के पास में जो जंगल है ना, वहाँ से घूमते घूमते चले आते हैं। अरे ऊंट की सवारी तो इंसान करते ही है, अरे उसमें हमने कौन सा जुर्म कर दिया? पर अगर हाथी ऊंट की सवारी करे तो जुर्म है गुरु। अंदर करो इनको। क्या? चलो अंदर चलो। और तुम पशु अधिकारी, पिछली बार दो भालू और एक हाथी को छुड़ा के ले गए थे साकाल सर्कस से, ले जाके बेच दिया मुगेम्बो सर्कस को है? नहीं, साइड में है ना, बात करते हैं। साइड में नहीं, अंदर चलिए, उधर ही बात करते हैं। चलिए अंदर करो सबको। अरे नहीं नहीं, सब हमारी कोई गलती नहीं, नेताजी ने हाथी को जहर दिया था सब। क्या? लेकिन वो जहर तो नकली था ना। अरे नेता तुम? अरे हमको नहीं, उस हाथी को जंगल में छोड़े ताकि यहाँ लोग आराम से रह सके। आप जैसे हाथियों को जंगल में छोड़े ताकि यहाँ आदमी आराम से रह सके? अरे ये अगर जंगल में जाएंगे तो जानवर परेशान हो जाएंगे। अंदर करो इनको सबको। देखिए आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। कभी कभी अच्छा लगता है अच्छा काम करने में। आप जाइए और हाथी की देखभाल कीजिए। वैसे एक बात कहें, सबकी अपनी अलग जगह होती है, इंसान शहर में और जानवर जंगल में ही अच्छा लगता है। बाकी आप देख लें, मैं इन्हें देखता हूं। चलिए। ए लीजा। बोलो इंदुमती। अरे हमने लक्ष्मी नारायण के कपड़े सिलने दिए थे, उनका क्या हुआ? वही सिल रहे हैंगे। अरे हम यहाँ हैंगे। हाय नैया, हुआ क्या कर रहे हो? हाथी की ड्रेस इतनी बड़ी हैंगी, अंदर घुस के खिलना पड़ रहा हैंगे। अरे अलीजा कहाँ हो तुम? अरे मामा हुआ काहे घुसे हो? अरे हम हाथी के कपड़ों में कड़ा लगा रहे हैं। ए जी। ओ जी। आ गए? हाँ। कहाँ हुआ? वो इंस्पेक्टर बहुत ही भला आदमी निकला। हाँ। उसने उन्हीं को अंदर कर दिया। हाँ। लेकिन लेकिन कहाँ? वही मुकंदी बाबू, लगता है लक्ष्मी नारायण को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ नहीं, कहे? सुबह से कुछ खा नहीं रहा है। ए जी कुछ कीजिए ना। तुम फिकर मत करो लक्ष्मी, हम कुछ करते हैं। कुछ? कहाँ जा रहे हो? हमेशा लबलबाए रहते हैं। वो आपकी पत्नी थी? थी नहीं भाई साहब, है। हाँ वही वही है, है। क्या निशाना है, आपकी हालत तो बड़ी खराब रहती होगी। क्यों? जो कुछ भी फेंक कर मारती होंगी, निशाने पे लगता होगा। भाई साहब आप हमारी चिंता छोड़िए और लक्ष्मी नारायण की चिंता कीजिए। कौन लक्ष्मी नारायण? अरे वो हाथी। हाथी जो आपने हमारी बीवी को मेले में दिया था। कृपा करके उसे वापस ले लीजिए, हम उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। अरे हम उसकी देखभाल करते तो आपको देते। क्या? हाँ, वो हाथी हमारे पास बचपन से था, बूढ़ा हो गया था, बीमार था, सिर दर्द बन गया था, रोज डॉक्टर के खर्चे, इसलिए मेले में वो आपकी पत्नी के सर मर दिया। आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे तो हैं। कब से हैं? बचपन से हैं। भगवान ना करे अगर वो बीमार हो जाए तो क्या आप उन्हें किसी और के सर मर देंगे? हम बहुत गरीब हैं, बच्चे तो पलते नहीं, हाथी क्या पलता। हमसे गलती हो गई है, लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा। हाथी जंगल का राजा है, उसे ऐसे घुट घुट कर मरने मत दीजिएगा। अच्छे से नहलाई का, खुद तो नहाते नहीं है। ए जी क्या हुआ? कौन है ये हाफ पैंट? इंदुमती जे वन विभाग वाले हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण को लेने आए हैं। काहे? काहे ना इंदुमती, लक्ष्मी नारायण की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ उसका इलाज ठीक ढंग से हो नहीं पाएगा। तो का? तो इका भेज दे का? कल अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो हमको छोड़ दोगे का? अरे नहीं नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं इंदुमती, इसे जंगल भेजना पड़ेगा। कौन जरूरत नहीं है? नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं समझने की कोशिश करो, सच कह रहे हैं। तो हम भी जाएंगे ना जंगल माई के साथ। हाँ हम भी जाएंगे। इंदुमती कह रहे ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन मुश्किल नहीं होगी, हमका जंगल में कौन मुश्किल नहीं होगी? अरे आपको नहीं, वहाँ रहने वाले जानवरों को हो जाएगी मुश्किल। हम कुछ नहीं समझते, हम कुछ नहीं जानते, हम जा रहे जंगल। इंदू कौन कहाँ जा रहा है बेटा? अरे मौसी देखो ना, ये हाफ पैंट हमारी लक्ष्मी नारायण को जंगल भेजना चाहता है। अरे जंगल में तो पिताजी जाते थे। कहाँ? लोटा लेके। तुम चुप रहो मामा। मुकुंदलाल हम इस लक्ष्मी नारायण को यहाँ से नहीं जाने देंगे। देखो हम उसके लिए ड्रेस भी सिलेंगे। कौन नहीं जाने देगा,
लक्ष्मी नारायण जंगल जा रहा है। अरे आप लोग समझते काहे नहीं है, ये हाथी है गजराज, जंगल का राजा, सर उठा के चलता है, शान से जीता है और शान से ही मर जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं, ये घुट घुट के जिए ना? इंदुमती, ये हाथी बुढ़ा गया है, बीमार है, जाने दो इंदुमती। जहां साफ हवा हो, जहां नफरत ना हो, जहां किसी को मारे जाने के षड्यंत्र ना रचे जाते हो, वहां जहां इंसान बसते हैं, यहां तो सिर्फ जानवर ही बसते हैं। अबे हमको जानवर बोल रहे हैं, जाने दो इंदुमती। ऐसे कैसे जाने दे, हम नहीं जाने देंगे इनका। इंदुमती सुनो, इंदुमती, इंदुमती, अरे नहीं, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए तो जाने दो। जाने दो उसे, जंगल में रहेगा तो ज्यादा जिएगा। शांत हो जा बेटा। अरे अब आप सब लोग क्या खड़े देख रहे हैं, जाइए ना। अरे विदाई समारोह की तैयारी कीजिए, जैसे स्वागत किया था वैसे ही विदाई भी कीजिए। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हाथी छोटे से मोटे से, हाथी की आई गुड़िया, हाथी छोटे से। लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मी नारायण कहाँ जा रहा है? बेटू भाई अपना घर जा रहा है। कहाँ? जंगल में। हम नहीं जाने देंगे इसे। अरे अरे सुनो सुनो, अरे सुनो बेटा, चुकू सुनो, तुम अपने अम्मा और पापा के बिना रह सकते हो? नहीं। हाँ तो ऐसे ही बेटा, ये भी अपने अम्मा और पापा के बिना नहीं रह सकता, वो जंगल में रहते हैं, इसे जाना ही पड़ेगा बेटा। हमारी बात सुनो, सुनो बेटा, अरे नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना रहना